अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन और नाज़रीन मोहतरम, मैं राना खालिद रशीद महफूज और आप मेरा चैनल पोइट्री महफूज टीवी देख रहे हैं। तो सामईन, मैं गांव में आया हुआ था तो यहां पे डेरे पे ना इन्होंने खरगोश भी रखे हुए हैं, कबूतर भी रखे हुए हैं, मुर्गियां भी रखी हुई हैं अनवाह व इकसाम की, और यानी बहुत सी चीज़ें इन्होंने इस तरह की रखी हुई हैं। कई मुर्गियों ने चूज़े निकाले हुए हैं, ये देखिए अभी खरगोश और कबूतर इकट्ठे, बिल्कुल इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह वाह। खुदावंद मुताल ने इस धरती को अनवाह इकसाम के परिंदों, पौधों, फूल पत्तों से सजाया है, और ये देखें कितने प्यारे अल्लाह ताला ने ये चीज़ें खलक की हैं, जो इस दुनिया की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। ये देखें ये कबूतर कितना प्यारा है, वाह 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 वाह। मेरे ख्याल है, मैं तो नहीं जानता, जो कबूतर के शायकीन हैं उन्हें ये देख के खूब पता चलेगा कि ये किस नस्ल का कबूतर है। और ये देखें खरगोश कितने प्यारे हैं, ये कबूतर बड़ा प्यारा है। ये मुर्गियों ने बच्चे, तीन चार मुर्गियों ने बच्चे निकाले हुए हैं, कुछ इस साइज़ के हैं, कुछ इससे बड़े हैं, कुछ इससे छोटे हैं। ये देखें वाह वाह वाह, कितने प्यारे हैं ये। ये ब्लैक कलर का खरगोश है, ये भी ब्लैक है, ये एक वाइट है। वैसे इनके खड़े कान जो है ना, ये इनकी खूबसूरती में बड़ा इजाफा करते हैं। ये देखें वाह, ज़रा और करीब करता हूँ। अच्छा, ये डर नहीं रहे बिल्कुल भी, वाह क्या बात है। ये बड़े शौक से खा रहे हैं, इनकी बड़ी मरहूब खुराक है ये चारा, सब्ज चारा। खरगोश कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। क्या बात है,